अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 19 नवंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। इतवार 20 नवंबर से कतर में शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा और कतर ने वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले एक पॉलिसी यूटर्न में 8 स्टेडियम्स के आसपास शराब की फरोख्त पर लगा दी पाबंदी। साथ ही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को मुख्तसर लिबास पहनकर मैच देखने की भी नहीं होगी इजाज़त। ईरान में हिजाब पर 2 महीने से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज ने लिया एक ख़तरनाक मोड़। सड़कों पर मुजाहिरों की आग। मुजाहिरीन ने इस्लामी जमहूरिया के बानी मरहूम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के आबाई घर को लगा दी आग। इमारत में आग लगने के बाद दर्जनों अफराद खुशी का कर रहे थे इजहार। आबादी कंट्रोल करने से मुतालिक कानून बनाने का मुतालबा करने वाली बीजेपी लीडर व वकील अश्विनी उपाध्याय की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दी मुस्तरद। अदालत ने कहा यह अदालत का काम नहीं है कि वो लॉ कमीशन या हुकूमत से मुतालिक उमूर में तैयार करे पॉलिसी। दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल में सत्येंद्र जैन का किया जा रहा मसाज। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला। बीजेपी ने कहा कानून के खिलाफ वर्जी, तो आम आदमी पार्टी ने कहा जेल में जैन की तबीयत खराब, इसलिए दी जाती है फिजियोथेरापी। श्रद्धा कत्ल केस में बड़ी खबर। केस की मुसलसल तफ्तीश में हर लम्हे नए हो रहे इंकशाफ। मुलजिम ने दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल किया और लाश के किए 18 से 20 टुकड़े। अब साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को मुलजिम आफ्ताब पूनेवाला का 5 दिनों में नार्को टेस्ट कराने का दिया हुक्म। तेलंगाना में अरकान असम्बली की खरीद व फरोख्त मामले की तहकीकात जोरों से जारी। इस मामले की जांच कर रही तेलंगाना SIT ने बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को किया तलब। इस महीने की 21 तारीख को हैदराबाद में वाक़ ऑफिस में सुबह पेश होने का भेजा समन। तेलंगाना में गैरकानूनी TRS MLAs शिकार तनाज़े में जुमा को आया सनसनीखेज मोड़। TRS MLC के कविता ने किया हैरान कन दावा, कहा बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल की तजवीज़ पेश की थी। KCR के खिलाफ बगावत पर चीफ मिनिस्टर बनाने का दिया था ऑफर। गुज़िश्ता रोज़ BJP MPD अरविंद की क़यामगाह पर TRS कारकुनों ने किया था हमला। MP ने की सख्त तनकीद, कहा कविता के कारकुनों ने न सिर्फ उनकी क़यामगाह बल्कि उनकी ज़ईफ़ वालदा और वहां मौजूद ख़वातीन पर भी किया हमला। PM मोदी ने भी की इस हमले की मजम्मत। तेलंगाना में धान की पैदावार में इजाफा, मिनिस्टर KTR का दावा, कहा मरकज तेलंगाना से धान खरीदने से कर रही इनकार, जिसकी वजह हुकूमत मुतबादल काश्त की तैयारी के लिए किसानों की कर रही है हौसला अफजाई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम पर दी जा रही खसूसी तवज्जो। दलित बंधु स्कीम में अरकान असम्बली की मुदाखलत को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कर दिया ख़त्म। कांग्रेस MP उत्तम कुमार रेड्डी ने हाईकोर्ट के फैसले का क्या खैर मकदम, कहा हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी की जानिब से आयद करदा इल्जाम हो चुके साबित। अब इस स्कीम से हकीकी मायनों में मुस्तहिक दलितों को होगा फ़ायदा। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।